यस स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन क्लास ट्वेल्थ कंबाइंड पोर्शन पढ़ेंगे हम ट्वेल्थ का विथ एनसीईआरटी के साथ कवर करते हुए चलेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं समझाना चाहूंगा, रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है जो इलेवंथ क्लास में भी था और ट्वेल्थ क्लास में भी है। इलेवंथ क्लास में इसका इंट्रोडक्शन और बेसिक है, ट्वेल्थ क्लास में इसका एडवांस लेवल है, पर हम पहले इलेवंथ का रिविजन करेंगे उसके बाद हम साथ में ट्वेल्थ का भी कवर करते हुए चलेंगे। ये बहुत कॉमन कुछ टर्म्स लिखे हैं जो हमें ट्वेल्थ क्लास में पढ़ना है, स्पेशली टाइप्स ऑफ रिलेशन में एम्प्टी और वाइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्टिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और मैं बिल्कुल श्योर हूं कि जब मैं आपको ये पढ़ा दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से बनेगा, आप सेल्फ एग्जाम्पल जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप थ्योरी से समझेंगे तो कभी भी ये समझ में नहीं आएगा, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जो मैंने इलेवंथ में किया था वही, इसलिए ट्वेल्थ पढ़ाते समय भी मैं पहले इलेवंथ वाले पोर्शन को रिवाइज करूंगा, उसके साथ हम इसको ट्वेल्थ में कवर करते हुए चलेंगे। राइट, तो बेसिक ऑब्जेक्ट ये है कि कब क्या करना है वो समझना है, पर ये वर्ड मैंने इसलिए लिखे कि इसमें सभी को कंफ्यूजन होता है और कई क्वेश्चंस मैं ऐसे करवाऊंगा जो सिंगल एग्जांपल से हम इन सभी के कंसेप्ट देखेंगे कि एम्प्टी है, यूनिवर्सल है, आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्टिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये सब हम एक सिंगल एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करेंगे। और एक बार अगर आपका इसका कंसेप्ट बैठ गया तो मैं श्योर हूं कि फिर आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। राइट, बेसिकली ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कम ही आता है, पर हम कवर ऐसे करेंगे कि अगर कॉम्पिटेटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी, सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी, किस ढंग से आंसर देना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेवंथ वाले पोर्शन को रिवाइज करते हैं, बेसिक क्या रिलेशन का डेफिनेशन था, डोमेन रेंज क्या था, इनवर्स रिलेशंस क्या होता है, और उसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे आएंगे। राइट, नोट डाउन, यस पहले इलेवंथ वाले पोर्शन का रिवीजन करते हैं बेसिक, देन उसके बाद हम फिर ट्वेल्थ वाले पोर्शन पे आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, जो मैंने समझाया था, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विथ सेट बी एंड इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। अगर सपोज मैं बोलूं बी क्रॉस ए तो आप ऐसा लिखते हैं बी कॉमा ए, ये हमने बहुत अच्छे से कंसेप्ट बनाए थे, बी बी कॉमा ए बी बिलोंग टू बी एंड ए स्मॉल ए, स्मॉल ए बिलोंग टू ए। राइट, अगर मैं कभी बोलूं ए क्रॉस ए तो आप बोलते ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग टू ए। अगर मैं आपसे कभी बोलूं बी क्रॉस बी तो आप बोलते बी कॉमा बी सच दैट बी बिलोंग टू बी। अच्छा, यहां पर एक बात और समझ में आती है कि अगर सपोज ए क्रॉस बी एम्प्टी सेट हो तो ये कब होगा, इफ ए इक्वल टू एम्प्टी और बी इक्वल टू एम्प्टी, जब अदरवाइज ए क्रॉस बी एम्प्टी नहीं होगा। ये सब हमने नॉन एम्प्टी सेट के लिए बात की। अब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ए है 1 2 3 और सपोज बी है एक्स वाई जेड। अब मैं आपसे बोलूं कि फाइंड ए क्रॉस बी, रिमेम्बर ए क्रॉस बी में हमेशा एक के एलिमेंट्स आएंगे, जो कंसेप्ट हमने पहले डेवलप किए वही लिखना है। तो क्या आएगा, 1, x 2, x 3 × 3 टोटल 9 एलिमेंट्स बनेंगे, 2, x 3, x। देखिए रिलेशन क्या है, बेसिकली सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है, वो हमें कंसेप्ट समझना है, मतलब इनका ही कोई पार्ट होगा। नेक्स्ट क्या आएगा, 2, x 3, x ओ सॉरी 1, x 2, x एंड 3xy 1, x। देखिए 1 के साथ लिया 1x, ठीक है 2x 3x बिल्कुल ठीक है। अब 1 के साथ हम एक काम करते हैं y ले लेते हैं, 1, y 2, y 3, y एंड सिमिलरली अब 3 के साथ लीजिए 1 2 3 हो गया, ये 1 के साथ z 2 के साथ z एंड 3 के साथ z। राइट, दिस इज कॉल्ड a क्रॉस b। अगर सपोज मैं आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछता कि B क्रॉस A क्या होगा तो क्या होता, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है बट अगर रिवाइज कर लिए तो आपको सिमेट्रिक, रिफ्लेक्टिव ये सब बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अब मैं बात करूं कि B क्रॉस A, तो B क्रॉस A में क्या होगा, B के एलिमेंट्स पहले आएंगे फिर A के आएंगे, मीन्स अब B के लेंगे तो x, 1 x, 2 ऐसे भी लिख सकते थे x, 3 x के साथ हो गया, देन y, 1 y, 2 y, 3 एंड z, 1 z, 2
जेड कॉमा 3। अब सपोज इसी में मैं आपसे बोलता क्योंकि ये ए क्रॉस ए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से रिलेशंस के कंसेप्ट बनेंगे सिमेट्रिक रिफ्लेक्टिव सबके। अगर मैं बोलूं ए क्रॉस ए क्या होगा तो आप बोलते, अब ए क्रॉस ए में आपको लॉजिकली ऐसे सोचना है कि ए के है 1 2 3, तो इसी के साथ इसके सबसेट बनने वाले मीन्स 1 2 3, तो क्या होगा 1 1 1 2 1 3, राइट 2 1 2 2 2 3 एंड सिमिलरली 3 1 3 2 एंड 3 3, राइट। और सपोज मैं बी क्रॉस ए पूछता, ये इतने बेसिक कंसेप्ट हैं, यहीं पर यही कंसेप्ट क्लियर नहीं होते या एग्जांपल्स कम होते हैं, एग्जांपल से चैप्टर को पढ़ोगे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बी क्रॉस बी की अगर बात करूं तो बी क्रॉस बी में क्या है, एक्स कॉमा एक्स, एक्स कॉमा वाई। अब इन्हीं से आगे चल के जैसे ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, इसी में हमें आइडेंटिटी मैप रिलेशन बताना है या यूनिवर्सल रिलेशन बताना है या सपोज सिमेट्रिक बताना है या रिफ्लेक्सिव बताना है, सब आप इससे बहुत इजीली एक एक एग्जाम्पल से बता पाएंगे। अब बी क्रॉस बी की बात करूं तो एक्स कॉमा एक्स, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा जेड एंड वाई कॉमा एक्स, वाई कॉमा वाई एंड वाई कॉमा जेड एंड लास्ट इज जेड कॉमा एक्स, जेड कॉमा वाई एंड जेड कॉमा जेड। ये रिलेशन में हमने कंसेप्ट पढ़ा था, ये हुआ हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन की डेफिनेशन निकलती है, नो डाउन। चलिए बात करते हैं रिलेशन की, रिलेशन की डेफिनेशन क्या करी थी हमने 11th में, बिल्कुल वही चीज है, हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बेसिकली R is a relation from A to B means R जो होता है, relation जो होता है, is always remember subset of A cross B होता है, right? A cross B का मतलब आपको अच्छे से पता है। अब suppose A के elements हैं, A के elements हैं, मान लीजिए A belong to A and B belong to B, right? तो R कैसे लिखेंगे हम, R इसको ऐसा भी लिख सकते हैं A R B, A related to बी, राइट। और अगर रिलेशन नहीं है तो ए नॉट रिलेटेड टू बी, ये हमने कंसेप्ट बनाया था। अब इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, सपोज ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, सपोज बी में 2 एलिमेंट है ए कॉमा बी, या ए कॉमा बी वहां लिखते हैं तो एक्स वाई ले लेते हैं अभी। चलिए अब मैं बोलूं कि आप फाइंड करें ए क्रॉस बी, सपोज फाइंड ए क्रॉस बी। सबसे पहले हम समझें कि अगर मैं बोलूं ए क्रॉस बी तो इसमें कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे ये भी देखने आना चाहिए, बिल्कुल सेट से रिलेटेड कंसेप्ट है। तो ए और बी में जो मैंने इसलिए एक नोट डलवाया हुआ, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट कंसिस्टिंग ऑफ एम एंड एन एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली देन ए क्रॉस बी हैज एम एन ऑर्डर पेयर। मतलब अगर मैं इसमें टोटल ऑर्डर पेयर देखूं तो टोटल ऑर्डर पेयर होंगे 6, कौन कौन से, 1x 1y 2x 2y 3x 3y, राइट, 3x 3y, दिस इज कॉल्ड ए क्रॉस बी। अब इसमें से कोई भी, ये सब सबसेट्स हैं, ये सब सबसेट्स हैं, तो ये क्या है, रिलेशन है, 1 related to x या 1 relation to y या 3 का रिलेशन किससे है, y से। ये सब रिलेशंस के एग्जांपल्स हैं, यानी एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। तो रिलेशन की डेफिनेशन ही हम ये बोलते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम द सेट ए टू बी इज सबसेट ऑफ, इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। ये सब रिलेशन के एग्जाम्पल है, 3 relation to x और 2 relation to कितना है, 2 related to y, राइट। तो ये पूरे रिलेशन हैं, तो ए और बी का किस ढंग से रिलेशन है ये हम देख सकते हैं। तो इसके पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाइए, टोटल ऑर्डर पेयर बनाइए, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर, और इस ऑर्डर पेयर का के जो एलिमेंट्स ये जो हैं, ये सब इनके अगर कोई भी हम सबसेट ले लें या पोर्शन ले लें तो ये कहलाएगा रिलेशन, राइट। मतलब बेसिकली अगर मैं ये बोलूं कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, तो इसका मतलब है ए रिलेटेड टू बी। और मैं कभी ऐसा बोलूं कि a कॉमा बी नॉट बिलोंग टू आर मीन्स ए नॉट रिलेटेड टू, सॉरी बार बार साइड का दिमाग में था, ए नॉट रिलेटेड टू बी। जैसे यहां पर इसका मतलब है 1 related to x, 3 related to y, पर अगर मैं इसमें देखूं, मैं अगर आपसे बोलूं 4 related to x, तो 4 है ही नहीं, तो नॉट रिलेटेड हो जाएगा,
राइट तो बेसिक कंसेप्ट ये हुआ कि अगर मैं बोलता हूं ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर मीन्स ए किससे रिलेटेड है, बी से, और मैं अगर बोलता हूं ए कॉमा बी नॉट बिलोंग टू आर तो आप बोलोगे ए नॉट रिलेटेड टू बी. तो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन. ये बेसिक कंसेप्ट है. अब एक और बात मैंने ये लिखी थी, मैंने आपको अभी समझाई भी कि इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट कंसिस्टिंग ऑफ एम एंड एन एलिमेंट रिस्पेक्टिवली देन ए क्रॉस बी एम एन ऑर्डर पेयर्स होंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन. तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, तो हमने सेट थ्योरी में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बनाया था, जब आपको ध्यान होगा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी सेट में सपोज एक सेट है ए, अभी एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं रिलेशन का नहीं, ए बी सी, तो इसके टोटल सबसेट कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 2^3 मीन्स 8. ये 8 सबसेट कौन कौन से होते हैं, लाइक ए बी सी ए बी राइट ए सी बी सी ए बी सी और एम्प्टी सेट. ये 8 सबसेट होते हैं राइट. वैसे ही सेम कंसेप्ट हमारा रिलेशन में है. अगर मैं सपोज बोलता हूं कि एम एन ऑर्डर पेयर हैं राइट. अब ऐसा सोचिए, आप इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझिए कि ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एम है, बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एन है, तो ए क्रॉस बी के टोटल ऑर्डर पेयर बनेंगे एम एन राइट. ये तो टोटल ऑर्डर पेयर हो गए. मतलब अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ए 1, 2 है, बी सपोज एक्स वाई है, तो सबसे पहले बताइए ए क्रॉस बी क्या होगा. तो ए क्रॉस बी मीन्स ऑर्डर पेयर क्या होगा ए क्रॉस बी का, तो आप बोलते हैं 1, x 2, x 1, y एंड 2, y. अब इसमें कितने एलिमेंट होगा, एक तरह से हम देखें तो इसमें 4 एलिमेंट होगा, तो इसके टोटल सबसेट कितने होंगे, 2^4 यानी 16. तो लॉजिकली हम देखें तो अगर टोटल ऑर्डर पेयर कभी भी निकालना, टोटल सबसेट कभी भी निकालना, तो 2^mn राइट. तो यहां पर टोटल 16 प्रॉपर सबसेट होंगे. कौन कौन से होंगे, तो आप पहले बोलोगे एक तो एम्प्टी सेट होगा, एक होगा 1x, इस तरह से आप बनाते चलेंगे 2x, फिर पहले 1 होंगे, फिर 2 के कॉम्बिनेशन होंगे, फिर 3 के कॉम्बिनेशन होंगे, और एक कंप्लीट होगा 4. तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे, और ये जो टोटल 16 सबसेट मिले इज कॉल्ड रिलेशन. यानी एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन. ये बेसिक फंडा है इसका, जो हमने 11th क्लास में समझा था, यहां पर भी मैंने आपको बताया. अब इसमें किस ढंग से हमें डेफिनेशन डोमेन रेंज समझनी है वो बताता हूं. डोमेन रेंज भी मैंने बताया था, जो फर्स्ट पार्ट है, अगर मैं बोलता हूं ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कॉमा बी, ए बिलोंग टू ए सच डैट बी बिलोंग टू बी, तो डोमेन क्या होती है बोलिए. डोमेन इज फर्स्ट पार्ट, डोमेन इज ए, एंड रेंज इज दिस कॉल्ड रेंज, यहां पर हो जाएगी बी राइट. तो जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में बोलूं कि इस क्वेश्चन की आप डोमेन बताएं, तो आप इस क्वेश्चन की डोमेन बोलते क्या 1, 2, और अगर मैं इस क्वेश्चन की रेंज बोलता, रेंज मतलब आउटपुट, तो आप बोलते x, y राइट. बात करते हैं बेसिक, जो मैंने अभी आइडिया दिया था आपको, अब उसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन के साथ भी लिखते हैं, क्योंकि आपको नोट्स बनाते हुए भी चलना है टॉपिक के, और कंसेप्ट बनाते हुए भी चलना है. अब देखिए, जब बात करते हैं डोमेन की, तो डोमेन क्या, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर. मीन्स बेसिकली अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ आर की अगर बात करें हम, तो ऐसा बोल सकते हैं ए डोमेन ए सच डैट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर राइट. अब एक चीज समझिएगा, सपोज ए में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, और सपोज बी में एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11 सपोज राइट. अब डोमेन और रेंज के दोनों के कंसेप्ट बताता हूं, क्योंकि कई बार हम जब डोमेन हमसे पूछी जाती है तो हम एकदम से बोल देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, बट नो, रिलेशन क्या है, रिलेशन मतलब सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. तो जो सबसेट है उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा उसे बेसिकली डोमेन बोलते हैं, और उसका जो सेकंड कंपोनेंट होगा उसे बेसिकली रेंज बोलते हैं. तो रेंज में देखिए क्या लिखा, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, देन द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड रेंज. मतलब अगर हमसे रेंज ऑफ रिलेशन बोला जाए, तो हम क्या बोलेंगे, बी सच डैट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर
अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं. सपोज ये ए है, ये बी है. अब मैंने कोई रिलेशन लिखा, राइट, ए क्रॉस बी नहीं लिख रहा हूं. ए क्रॉस बी को अगर मैं लिखता तो ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर क्या होते? अगर हम देखें तो 5 एलिमेंट इसमें है, 1 2 3 4 5 5 इसमें है, तो टोटल तो ऑर्डर पेयर 25 होंगे. हमें वो 25 नहीं बनाना. अब मैं कोई रिलेशन लिख रहा हूं, और सपोज मैंने रिलेशन ऐसा लिखा 1 3 1 5, सपोज 3 7 3 9, सपोज 5 3 and 5 5. अब ये रिलेशन है, इस रिलेशन की डोमेनो रेंज की बात कर रहे हैं. अगर यूनिवर्सल सेट हुआ, अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट मतलब सारे पॉसिबल सबसेट्स आ जाएंगे उसमें, तो अलग बात है. तो फिर हम इसकी ये डोमेन हो जाती है, रेंज हो जाती है. पर अभी यूनिवर्सल सेट की बात नहीं कर रहे, एक सबसेट की बात कर रहे हैं. अब अगर मैं डोमेन बोलूं, डोमेन ऑफ आर, तो आप क्या बोलते? केवल वन. देखिए वन टू टाइम आ रहा है, भले ही तो वन एक ही बार लेंगे, एंड थ्री एंड फाइव. फर्स्ट जो कंपोनेंट होगा वो डोमेन को बताएगा, डोमेन ऑफ आर. और रेंज ऑफ आर की बात करें, अब रेंज मतलब सेकंड कंपोनेंट. तो यहां पे देखिए सेकंड कंपोनेंट क्या, थ्री 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 टाइम आया, उससे कोई दिक्कत नहीं. एक थ्री हो गया, एक फाइव हो गया, एक सेवन हो गया और एक नाइन हो गया. तो कई बार हमसे जो मिस्टेक होती है, जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो बता देता हूं. डोमेन और रेंज में जो ए सेट के एलिमेंट होते हैं उसे हम डोमेन बोल देते हैं, और जो बी सेट के एलिमेंट होते हैं उसे रेंज बोल सकते हैं, बोल देते हैं. बट ये हार्वेस्ट हो नहीं होता, क्योंकि रिलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा. ये हो भी सकता है क्योंकि इसी का एक सबसेट डोमेन होगा और इसी का एक सबसेट रेंज होगा, तो कई बार ये भी पूरा हो सकता है. पर अभी अगर हम देखें तो रिलेशन किस ढंग से एस्टेब्लिश है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. क्योंकि देखिए ये रिलेशन है जो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा, ये जो मैंने लिखा है ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा. तो इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है इज कॉल्ड डोमेन. तो 1 1 3 3 5 5 ये डोमेन हो गई, और 3 3 3 टाइम आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है. 5 और 7 इसकी रेंज हो गई. तो जब भी डोमेन रेंज बताएं तो जो रिलेशन है उस रिलेशन का जो फर्स्ट कंपोनेंट है इज कॉल्ड डोमेन, और जो सेकंड कंपोनेंट है इज कॉल्ड रेंज. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रिलेशन ऑन अ सेट. रिलेशन ऑन अ सेट क्या है? देखिए, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ. ध्यान रखिएगा पूरा कंसेप्ट, अभी जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इस पे बेस्ड ही है. रिलेशन ऑन अ सेट, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, दैट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन सेट ए. मीन्स देखिए, सपोज ए है 1 2 3 4, ठीक है, सपोज 1 2 3 4 है, तो बोलिए ए क्रॉस ए क्या होगा? ए क्रॉस ए क्या होगा? ए क्रॉस ए मीन्स 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2, आगे चल के इसी के कंसेप्ट है 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4, राइट. ये ए क्रॉस ए हुआ. अब लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन अ सेट ए. अब सपोज मैं कोई भी एक इसका सबसेट रखूं, रिलेशन रखूं, कोई भी ले सकता हूं. आगे चल के यही तो देखना है, 1 1 2 2, सपोज 3 3, जैसे ये सब सिमेट्रिक हो जाएगा, ऐसे आइडेंटिटी होगा, क्या होगा, यही सब बताना. या सपोज 4 1 5 1, ये एक रिलेशन हुआ. या मैं एक और लिखूं एग्जाम्पल, ये आर 1 ले लें, आर 2, 3 2 3 3 3 4, ये सब रिलेशन के पार्ट हुए. यानी रिलेशन ऑन अ सेट में एक कंसेप्ट है. अभी धीरे धीरे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, जितने एग्जांपल्स में बताता जाऊंगा आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होता जाएगा. तो लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, दैट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑफ रिलेशन ऑन सेट. मीन्स ए हुआ 1 2 3 4, तो ए क्रॉस ए क्या, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1, ये जितने पॉसिबल बनेंगे. अब देखिए इसमें 4 है, तो 4 × 4 यानी 16 ऑर्डर पेयर बनेंगे, और इस 16 ऑर्डर पेयर के जितने भी सबसेट होंगे वो हम बोलेंगे रिलेशन ऑन अ सेट ए. राइट, नो डाउन. अब सपोज यहां पर मैं ए को लेता 3 2 एलिमेंट ए बी, तो बताइए ए क्रॉस ए क्या होता? अब ए क्रॉस ए हो जाता ए ए ए बी बी ए एंड बी बी. राइट दिस,
यस नेक्स्ट बात करते हैं इनवर्स ऑफ अ रिलेशन की. इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या होता है, देखिए लेट ए एंड बी बी टू सेट्स एंड लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन द इनवर्स ऑफ आर डिनोटेड बाय आर इनवर्स इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए एंड इज डिफाइंड बाय, सिंपल सा लॉजिक है, आर इनवर्स इक्वल टू बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर. एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. सपोज ए कोई एक एलिमेंट है 1 2 3 4, सपोज बी है एक्स वाई जेड. थोड़ी देर के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि एक रिलेशन लिखें, तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. यस सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो एक रिलेशन मैंने लिखा, देखिएगा एक रिलेशन लिखा, सपोज 1x 1y 2y and 3z, ये एक रिलेशन है. अब अगर मुझे इसका इनवर्स रिलेशन बताना है तो सिंपल, अभी क्या है, अभी देखिए ये ए क्रॉस बी है, अगर मुझे इसका इनवर्स रिलेशन बताना है तो क्या होगा, सिंपल x1 y1 y2 and z3, दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन. यानी बेसिक लॉजिक ये हुआ कि जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज हो गई और जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन हो गई. यानी ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए का सबसेट. ऐसा आप सोच सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है इनवर्स का, कि ए और बी में बी कॉमा ए सच डैट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर. तो जो आपने रिलेशन लिखा है उस रिलेशन की डोमेन और रेंज को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो जो न्यू रिलेशन मिलेगा इज कॉल्ड इनवर्स. और ये ए क्रॉस बी है तो ये क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए. राइट, नोट डाउन. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की. टाइप्स ऑफ रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है और इनफैक्ट ट्वेल्थ में यही पोर्शन है आपको जो कवर करना है और हम बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे. टाइप्स ऑफ रिलेशन में मैंने सबसे पहले दो लिखे हुए हैं, एम्प्टी और वाइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन. ये क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस लिए छोड़ा गया, अब हम एक जनरल एग्जाम्पल ले लें. सपोज ए एक कोई सेट है जिसमें हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 ले लेते हैं समझाने के लिए. अब अगर मैं बोलूं ए क्रॉस ए क्या होगा, 3 भी ले सकते थे, ए क्रॉस ए क्या होगा, क्योंकि हम सारे एग्जाम्पल्स को इसी से कवर करेंगे. तो आपने कहा 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4. हम 3 तक भी जा सकते थे केवल, पर ठीक है चलिए अब लिख लिया है, या चलिए 3 तक ले लीजिए 1 2, या चलिए अब 4 तक लिखा तो 4 तक यहां ले लिया. फिर क्या आएगा बोलिए, यहां ऊपर लिख देता हूं कुछ 3 1, क्योंकि मुझे आपको समझाना है 3 1 3 2 3 3 3 4 and 4 1 4 2 4 3 4 4. देखिए जैसे जो कॉन्सेप्ट सेट में हमने पढ़े वही लगभग यहां पर भी है, डेफिनेशन वगैरह सब वही वैसी रहेंगी. अब जैसे एम्प्टी सेट हम बोल रहे हैं तो एम्प्टी सेट मतलब कोई भी एलिमेंट रिलेशन में ना हो सेटिस्फाई कर रहा हो, मीन्स आ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए. राइट, ध्यान से समझिएगा, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज आर इक्वल टू एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. राइट, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझें. जैसे अगर मैं लिखूं ए क्रॉस ए तो हमारे पास ये है, अब मैं एक रिलेशन लिखूं और रिलेशन में लिखूं, रिलेशन में लिखूं ए कॉमा बी सच दैट सपोज ए माइनस बी इक्वल टू 15. राइट, और ए बी बिलोंग टू, ए बिलोंग टू ए एंड बी इज ऑल्सो बिलोंग टू ए. अब ये कैसा रिलेशन होगा, अब देखिए आप इसमें कोई भी ऐसा दिख रहा है आपको 1 - 1 करेंगे तो 0 आएगा, बड़ी से बड़ी वैल्यू अगर मैं करूं 4 - 1 तो कितना आएगा 3. इसका मतलब a माइनस बी कभी 15 हो सकता है, मींस a माइनस बी कभी 15 नहीं हो सकता. तो इस समय कैसा रिलेशन मिलेगा, एम्प्टी रिलेशन मिलेगा. राइट, मतलब जो आपके पास ये रिजल्ट है इससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं. तो इस समय हमारे पास जो रिजल्ट आया वो कैसा रिजल्ट आया, एम्प्टी रिजल्ट आया, क्योंकि यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं a कॉमा b नॉट बिलोंग टू r, ऐसे कोई एलिमेंट नहीं है a कॉमा b के जो r को बिलोंग कर रहे हैं या जो इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हैं. तो एम्प्टी रिलेशन मतलब अ रिलेशन r इन अ सेट a इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इज नो एलिमेंट ऑफ a इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ a और r इक्वल टू एम्प्टी सेट हम बोल सकते हैं. अब इसी के साथ अगर हम यूनिवर्सल रिलेशन की बात करें तो सारे सबसेट को कलेक्शन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, जो हमने सेट में पढ़ा था. अ रिलेशन r इन अ सेट a इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन
Our relation R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A. Right? जैसे अगर मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लू, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये हो सकता है, such that mod of A minus B greater than or equal to 0. ये ऑलवेज ट्रू होगा, वेयर A कॉमा B बिलोंग टू A, belong to A, B belong to A. अब ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आप जो भी नंबर रखेंगे, 1 माइनस 4 रखेंगे तो 3 आएगा और मॉड लगा तो पॉजिटिव होगा, 1 माइनस 1 रखेंगे तो 0 आएगा, 2 माइनस 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 माइनस 4 रखेंगे तो 2 आएगा. दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, दिस रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन. और इन दोनों रिलेशन को अगर हम मिला दें तो इन्हें हम ट्रिविअल रिलेशन भी बोल सकते हैं. राइट इन दोनों को मिला दें या दोनों को कंबाइन करें तो ट्रिविअल भी बोल सकते हैं. तो एम्प्टी और वॉइड रिलेशन क्या हुआ, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, एम्प्टी सेट होगा, यूनिवर्सल में सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला आपको सेट मिलेगा. नोट डाउन. यस, नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन. देखिए क्या आइडेंटिटी रिलेशन, लेट ए बी अ सेट देन द रिलेशन आई ए ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग टू ए. याद रखिएगा ऑन ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन. यहां पर बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल वही कंसेप्ट पे बेस्ड है जो हमने अभी पढ़ा हुआ था, कि आइडेंटिटी रिलेशन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ए ए से रिलेटेड हो. जैसे आइडेंटिटी फंक्शन हमने पढ़ा था वाई इक्वल टू एक्स का, जैसे यहां पर एग्जाम्पल लिखा, अगर मैं यहां पर आइडेंटिटी रिलेशन का एग्जाम्पल लिखूं तो क्या होगा, 1 1 1 1 2 2 3 3 and 4 4 इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन. राइट एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज ए है समझाने के लिए 1 2 3. ये पूरा पोर्शन ऐसा है कि आपके एंड आते आते तक आपको हर चीज समझ में आएगी. एक्चुअल में अभी मैं कंपेयर करूंगा ऑल चार्ट का तो ज्यादा क्लियर होगी कि आपको आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्टिव रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, वहां पर जाके ज्यादा आपसे क्लियर हो पाएगी. तो अभी आप समझते चलिएगा. जैसे ए इक्वल टू मैंने लिखा 1 2 3. अब अगर मैं इसका आइडेंटिटी रिलेशन लिखना चाहूं तो क्या होगा, 1 1 2 2 and 3 3. राइट पर ये रिलेशन है आर. अब सपोज एक और रिलेशन लू मैं, मान लीजिए आर वन, और उसमें मैं अगर ये लू 1 1 and 2 2, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन का एग्जाम्पल नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि आर वन नॉट बिलोंग टू 3 3, जबकि 3 3 होना चाहिए. ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जाम्पल लू आर टू, सपोज 1 1 2 2 3 3 and 1 3 3, और सपोज 1 4. राइट सपोज 1 4, ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है. बिकॉज यहां पर हम समझें कि हमने क्या क्या लिया था, 1 2 3, पर यहां पर 1 4 जो है, 1 4 मत लो आप, बल्कि एक काम करते हैं, आर वन क्या लिया हमने, यहां पर 3 3 नहीं था, यहां पर हम देखें तो 1 4 नहीं होगा. तो इसका मतलब ये भी आइडेंटिटी, इसको आप, बल्कि मैं इसको ऐसा लिख देता हूं 4 4, ये भी आइडेंटिटी का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि आर टू जो लिखा है नॉट बिलोंग टू 4 4. राइट तो आइडेंटिटी रिलेशन में सेम इमेज बनेगी, प्री इमेज इमेज, तो ए ए से रिलेट होगा और एक ही एलिमेंट होना चाहिए. राइट नोट डाउन, क्लियर है बात. ऐसे ही अगर एक और एग्जाम्पल लिखे हम, सपोज आर थ्री, जिसमें हम ले लेते हैं 1 1 2 2 and 3 3, साथ में एक सपोज 1 3 ले लू मैं. राइट आप समझिएगा आइडेंटिटी में सारे होना चाहिए, मतलब 1 1 से 2 2 से 3 3 से, वो सारे अगर 3 एलिमेंट हैं. तो अगर सपोज 4 एलिमेंट है जो मैंने एग्जाम्पल लिया, तो 1 1 2 2 3 3 4 4. अब ऐसे मैंने लिया 1 1 2 2 3 3, पर 1 3 जो है वो 1 3 आइडेंटिटी नहीं होगा, रिलेशन है पर ये आइडेंटिटी का पार्ट नहीं होगा. तो ये भी रिलेशन नहीं, मतलब ये भी आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन नहीं, इसमें भी 1 4 है, ये भी नहीं है, पर 4 4 भी एक्स्ट्रा आ गया था, जो कि हमारे R2 का पार्ट नहीं हो सकता था. तो ये सब आइडेंटिटी के एग्जांपल्स नहीं है. तो आइडेंटिटी में सिंपल सा लॉजिक है, एक लेट ए बी अ सेट देन द रिलेशन ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग टू ए ऑन ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए. तो इसमें 1 1 मतलब ए ए से, बी बी से, सी सी से एसोसिएट होगा और ए बिलोंग टू ए बोला गया है. तो आपको ये देखना है, जैसे सारे सबसेट, मतलब जो इसके सबसेट बने, जितने भी ए क्रॉस ए के जो सबसेट होंगे, उसमें आपको केवल कौन से वाले कंसीडर करना है, ए कॉमा ए के. ये ध्यान रखिएगा ए कॉमा बी नहीं होना चाहिए. मतलब अगर जैसे इस एग्जांपल में देखूं, मान लो मैं यहां पर बोलूं
आर वन क्या क्या है, वन वन है, वन टू है, टू टू है, थ्री थ्री है, फोर फोर है, ये आइडेंटिटी का एग्जाम्पल होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां पर वन टू आ गया, राइट। और अगर सपोज मैं ये वन टू हटा दूं थोड़ी देर के लिए और ये भी हटा दूं, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास में एक एलिमेंट कम है, कौन सा, फोर फोर, जो बिलोंग नहीं कर रहा आर वन में, तो वो भी बिलोंग करना चाहिए। तो आइडेंटिटी में हमें केवल ए एक मैपिंग को चेक करना होता है, राइट। नोट डाउन, नेक्स्ट रिलेशन पे आते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है वो बताता हूं, मैंने वो एग्जाम्पल रफ कर दिया, अभी फिर ले लेंगे हम, समझिएगा, बहुत अच्छा है। आइडेंटिटी और इसमें क्या सिमिलरिटी है वो भी समझाऊंगा और एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब आपके दिमाग में आएगा कि इसमें और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है, वो अभी बताता हूं मैं। आर इज रिफ्लेक्टिव, ए कॉमा ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए। जैसे सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लू, वो भी लिखते हैं एग्जाम्पल, वन टू थ्री का, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आर एक रिलेशन है, सपोज आर वन ले लें हम, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, दिस इज रिफ्लेक्टिव एज वेल एज आइडेंटिटी। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, आर टू इक्वल टू, समझिएगा, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, वन थ्री, टू वन, दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिव बट नॉट आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, रिफ्लेक्टिव में हमें यह देखना है कि सारे एलिमेंट्स की इमेजेस होना चाहिए, मतलब वन वन, टू टू, थ्री थ्री होना चाहिए, वन वन, टू टू, थ्री थ्री है, बट इसके अलावा कोई और तो चलेगा, वन थ्री भी हो सकता है, टू वन भी, इससे कोई दिक्कत नहीं। हमारा एम क्या, रिफ्लेक्टिव देखना है, तो हमें केवल यह देखना होगा कि सारे एलिमेंट्स की इमेज है कि नहीं। जबकि आइडेंटिटी में क्या होता, अगर आइडेंटिटी होता तो ये नहीं आ सकता था, क्योंकि वहां पर नेसेसरी कंडीशन है ए कॉमा ए। तो आपको ये दोनों डिफरेंस याद रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आइडेंटिटी फंक्शन होंगे वो रिफ्लेक्टिव होंगे, पर एवरी रिफ्लेक्टिव फंक्शन में नॉट बी आइडेंटिटी डिपेंड ऑन। जैसे जो मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर किया था, उसमें ए मैंने क्या लिया था, वन टू थ्री फोर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, ए क्रॉस ए हमने निकाला हुआ था, वन वन, वन टू से लेके सारा। अब इसमें अगर इस एग्जाम्पल को लिखूं तो बोलिए क्या होगा, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, दिस इज रिफ्लेक्टिव एज वेल एज आइडेंटिटी। मैं ये भी लिख सकता हूं आर थ्री, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, राइट। और साथ में अगर मैं ये भी ले लू, वन टू, वन थ्री, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी रिफ्लेक्टिव। अच्छा, यहां पर अगर इस एग्जाम्पल में एक और लू, मान लो मैं ऐसा लेता, वन वन, टू टू, वन थ्री, टू वन, ये रिफ्लेक्टिव का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है थ्री, थ्री बिलोंग टू थ्री कॉमा थ्री, नॉट बिलोंग टू आर थ्री, राइट। जबकि थ्री बिलोंग टू क्या है, थ्री बिलोंग टू ए है, तो ये भी रिफ्लेक्टिव का एग्जाम्पल नहीं है, राइट। तो रिफ्लेक्टिव में केवल आपको एक सिंपल सा लॉजिक देखना है कि जो एलिमेंट दिए उनकी इमेज होना चाहिए, उसके साथ कोई और एक्स्ट्रा हो तो चलेंगे, पर कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आइडेंटिटी और सिमेट्रिक में डिफरेंस, सॉरी रिफ्लेक्टिव में आप सिमिलरिटी है पर 100% नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको सिमेट्रिक बोल दो या आप इसको इसको आइडेंटिटी बोल दो। इसको आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टिव भी बोल सकते हैं, पर इसको हम केवल रिफ्लेक्टिव ही बोलेंगे, आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे, ये बात ध्यान रखनी है, राइट। यस, नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक की अगर हम बात करें तो सिमेट्रिक की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इफ ए वन कॉमा ए टू बिलोंग टू आर इम्प्लाइज दैट ए टू कॉमा ए वन बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए वन कॉमा ए टू बिलोंग टू ए। इसको एग्जाम्पल से समझें, सपोज मैं ए इक्वल टू लू, वो वाला भी एग्जाम्पल लेंगे, वन टू थ्री। अगर मुझे एक ही एग्जाम्पल से देखिए, पहले तो अगर मैं इसका ए क्रॉस ए का एलिमेंट बनाऊं तो क्या क्या होंगे, वन वन, वन टू, वन थ्री, टू वन, टू टू, टू थ्री, थ्री वन, थ्री टू एंड थ्री थ्री, टोटल नाइन होना चाहिए, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलूं, सबसे पहले अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो देखिए सिंपल, वन वन, टू टू एंड थ्री थ्री, दिस इज आइडेंटिटी एज वेल एज सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं। अगर मैं आइडेंटिटी के बाद रिफ्लेक्टिव की बात करूं तो क्या होगा, क्या होगा बोलिए, ये भी हो सकता है, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, वन थ्री भी हो सकता है, थ्री टू भी हो सकता है। पर जब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक जैसा हमने कर्व में पढ़ा है, कोऑर्डिनेट में पढ़ा है, या कहीं पर भी कि ये इसकी सिमेट्रिक इमेज है, वैसे ही यहां पर है कि वन टू तो टू वन। जैसे अगर मैं सिमेट्रिक का एग्जांपल लिखूं तो लाइक वन टू तो टू वन होना चाहिए, वन वन तो हो गई, टू टू होगा,
थ्री थ्री भी होगा, अगर सपोज आपने लिखा 3-1 तो 1-3 भी होना चाहिए, राइट। तो ये सिमेट्रिक का मतलब ये हुआ, आप देखो ये सिमेट्रिक है, साथ में इसको हम रिफ्लेक्टिव भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्या क्या है, 1-1, 2-2, 3-3, राइट। इसको रिफ्लेक्टिव भी बोल सकते हैं, सिमेट्रिक भी, पर इसको हम आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे, राइट। अब इसमें क्या कंसेप्ट है समझना, एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, सिमेट्रिक के एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। सपोज मैं लिखूं सिमेट्रिक के, अब दे रहा हूं 1-1, 2-2, 1-3, ये सिमेट्रिक नहीं है, क्यों, क्योंकि 1-1 की इमेज है, 2-2 की है, बट 1-3 की 3-1 होना चाहिए, और 3-1 इसको अगर हम आर लिखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं R1 not belong to 3-1, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, तो राइट। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी कि सभी में एक सिमिलरिटी रहेगी कुछ ना कुछ, कब क्या कंसेप्ट बनाना है, वो आइडेंटिटी में इमेज ही होना चाहिए 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, रिफ्लेक्टिव में 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 तो होना चाहिए। यस, नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए आइडेंटिटी मैपिंग, रिफ्लेक्टिव मैपिंग, सिमेट्रिक मैपिंग एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस। अब ये क्या, ये समझना बहुत ध्यान से, इफ A1, A2 बिलोंग टू आर, A2, A3 बिलोंग टू आर, अगर किसी रिलेशन में, देखिए सब रिलेशन के कंसेप्ट है कि कोई आपने जो सबसेट लिया है वो किस ढंग से रिलेटेड है, जैसे हम स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल जब नाम लेते हैं तो ये क्या है, इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट है, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट नाम लेते हैं। अगर हम लॉजिकली समझें तो ऑल आर क्वाड्रिलेटर, यस और नो, सभी क्वाड्रिलेटर हैं, बट किसी को हम पैरेललोग्राम बोल रहे हैं, किसी को रेक्टेंगल, किसी को स्क्वायर, किसी को रोम्बस, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। अब इसका एडवांटेज क्या है, अगर आप एक रेक्टेंगल को क्वाड्रिलेटर बोलते हैं नो प्रॉब्लम, अगर आप एक स्क्वायर को क्वाड्रिलेटर बोलते हैं नो प्रॉब्लम, पर फिर हमारे दिमाग में इमेज कैसे आएगी, अगर मैंने बोला क्वाड्रिलेटर तो आपके दिमाग में कई सारी इमेज आ सकती है, पर मैंने जैसे ही स्क्वायर बोला तो आपके दिमाग में आएगी इमेज की ऑल फोर साइड इक्वल, सिमिलरली अगर मैंने बोला रेक्टेंगल तो अपोजिट साइड आर इक्वल, सिमिलरली रोम्बस बोला तो अपोजिट साइड आर इक्वल, सॉरी ऑल साइड आर इक्वल एज वेल एज डायगनल और डायगनल नॉट इक्वल। वैसे यहां पर है कि ये जो नेम दिए उनके हिसाब से जो हमने रिलेशन बनाया है, ये जो सबसेट लिया है वो किस तरह का सेट है वो हमें पता चल जाता है। अगर मैंने बोला है कि सिमेट्रिक है तो इसका मतलब 1-1, 2-2, 3-3 या 1-3 तो 3-1, 2-1 तो 1-2, ये मिलेगा रिलेशन में। अगर मैंने बोला आइडेंटिटी मैपिंग है तो 1-1, 2-2, 3-3 मिलेगी, राइट। अगर मैंने बोला रिफ्लेक्टिव है तो इसका मतलब क्या होगा, 1-1, 2-2, 3-3 होगा, इट्सेल्फ होगा, बट 1-2, 3-1 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा। वैसे ही ट्रांजिटिव में क्या होगा, A1, A2 belong to R, A2, A3 belong to R, A2 से A2 सपोज कैंसिल हो गया और एक और ऐसा मिला A1, A3 belong to R, तो हम उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे, जबकि A1, A2, A3 belong to A है। अब इसको एग्जाम्पल से समझे हम, सपोज A है 1-2-3, अभी इसके कॉमन एग्जाम्पल भी लेंगे, और ये तीनों जिसमें मिलती है, तीनों क्वालिटी जिसमें मिलती है, रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसको हम इक्विवेलेंट रिलेशंस भी बोलते हैं। तो A belong to suppose 1-2-3 है, तो अब इसके आपने अगर A क्रॉस A लिखेंगे तो क्या आएगा, ये हम कई बार लिख चुके हैं, 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2 and 3-3, राइट। अब सपोज मैं एक ऐसा लू रिलेशन, देखिएगा आप ध्यान से, 1-2, 2-3, 2 से 2 कैंसिल एंड 1-3, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, राइट। क्या देखिए ध्यान से, 1-2, 2-3 and 1-3, राइट। या मैंने लिया सपोज 2-1, 1-2, अब देखिए क्या लिया मैंने, 2-1, 1-2 ऑलरेडी, तो दो बार नहीं लिखना, अब देखिए 2-1, 1-2, तो 2 से 2 एक तरह से ऐसा सोचिएगा, 1 से 1 कैंसिल, तो एक 2-2 भी होना चाहिए, राइट। ट्रांजिटिव का एग्जांपल हो गया, सिंपल सा लॉजिक है, और कई बार इटसेल्फ भी हो सकता है, जैसे देखिए 1-1, राइट, अब 1-1 तो 1-1 ही होगा, ऐसे ही अगर मैं बोलूं यहां पर 3-1, 1-3, तो बोलिए कितना होगा, ये अलग एग्जांपल लिख रहा हूं रिलेशन का, 3-1, 1-3, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना 3-3, लाइक दिस, राइट। यस, नेक्स्ट बात करते हैं इक्विवेलेंट रिलेशंस की। इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, देखिए आर रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेट टू बी एंड इक्विवेलेंट रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यानी तीनों जिसमें मिलेगी वो उस रिलेशन को हम बेसिकली इक्विवेलेंट रिलेशंस बोलते हैं। अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको, जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया अगर आप उनको ध्यान से समझ के करेंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, राइट।
यस, एक क्वेश्चन देखते देखे एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे. शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3. एक सेट है ए सपोज जो कि 1 2 3 है. आपको रिलेशन क्या दिया, देखिए रिलेशन आपको दिया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 इज रिफ्लेक्टिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव. क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले अगर वैसे देखूं तो ये आइडेंटिटी भी नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 2 3 आ गया. अब रिफ्लेक्टिव में क्या रूल होता है, 1 1 2 2 3 3 होना जरूरी था, वो है, बाकी 1 2 2 3 से कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका मतलब रिफ्लेक्टिव तो हो गया. अब सिमेट्रिक देखना है तो सिमेट्रिक 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3, 1 का इमेज 2, 1, 2 का क्या होगा बोलिए, 2, 1 होना चाहिए. आप बोलेंगे 2, 1 नॉट बिलोंग टू रिलेशन, ऐसे ही 3, 2 नॉट बिलोंग टू रिलेशन, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है. राइट, ये इसलिए सिमेट्रिक राइट. इसी तरह तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्टिव हो गया पर सिमेट्रिक नहीं है. इसी तरह ट्रांसक्रिप्ट में देखें तो 1 1 2 2 3 3 ठीक है राइट, वो इटसेल्फ हो जाएगा. पर आप ध्यान दीजिए 1 2 1 2 बिलोंग टू आर, 2 3 बिलोंग टू आर, पर 2 से 2 कैंसिल, 1 3 नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं है. राइट, क्या समझे आप, देखिए 1 2 बिलोंग टू आर, 2 3 बिलोंग टू आर, पर 1 3 नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए ट्रांसक्रिप्ट नहीं है. राइट, नोट डाउन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्या है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इक्वल टू 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्टिव नॉर ट्रांजिटिव. क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है. देखिए 1 2 2 1 तो सिमेट्रिक तो हो गया, 1 2 3 का ही सेट है. ए क्या है, 1 2 3 इसी का एक सबसेट होना चाहिए. राइट, रिफ्लेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 1 1 नॉट बिलोंग टू आर, 2 2 नॉट बिलोंग टू आर, 3 3 नॉट बिलोंग टू आर. सिमिलरली ट्रांसक्रिप्ट के लिए क्या होना चाहिए, 1 2 2 1 से कैंसिल, 1 1 नॉट बिलोंग टू आर. राइट, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है ओनली, नाइदर रिफ्लेक्टिव और ट्रांसक्रिप्ट. नोट डाउन.